हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, एमपी जीके के इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था मध्य प्रदेश के प्रमुख गुफाओं के बारे में, और आज के इस वीडियो में देखने वाले मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतमालाओं के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियो के जो PDF है बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो बिना देर के दोस्तों, चलते सीधा वीडियो की तरफ। बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख पर्वतमाला की, ठीक है, देखते हैं आज का पहला कंटेंट। दोस्तों, मध्य प्रदेश में दो प्रकार की, कितने प्रकार की, दो प्रकार की पर्वतमाला देखने को मिलती है। पर्वतमाला देखने को मिलती है, ठीक है। दो पर्वतमाला कौन कौन सी है दोस्तों? पहली जो है हमारी, ये है विंध्यांचल पर्वतमाला, विंध्यांचल पर्वत माला, ठीक है। और दूसरी जो है दोस्तों, ये है हमारी सतपुड़ा पर्वत माला, ठीक है। दोस्तों, पर्वत के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ कि पर्वत होता क्या है। दोस्तों, समुद्र तल से 1000 मीटर से ज़्यादा ऊपर उठी हुई ऐसी स्थलाकृति या ऐसी संरचना जिसका ऊपरी किनारा कैसा हो, नुकीला हो, तथा उसका ढलान कैसा हो, तीव्र हो, ऐसी स्थलाकृति या संरचना को क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्वत बोलते हैं। और यही संरचना जब समूह में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? पर्वत श्रृंखला, ठीक है। दोस्तों, मैं जो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, इसमें जो कौन सी पर्वतमाला का विस्तार देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है विंध्यांचल पर्वतमाला का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। वो जो विंध्यांचल पर्वतमाला है दोस्तों, इसका विस्तार किन किन राज्यों तक है हम देखेंगे। इसका है विस्तार बिहार से झारखंड, ठीक है, बिहार से झारखंड और झारखंड से मध्य प्रदेश तक। किसका विस्तार है दोस्तों? विंध्यांचल पर्वतमाला का। और इसके बाद देखेंगे हम दक्षिणी क्षेत्र में दोस्तों विस्तार देखने को मिलता है सतपुड़ा पर्वतमाला का। किसका? सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है। इसका विस्तार देखेंगे हम, इसका भी विस्तार 3 राज्यों तक है, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से दोस्तों कहाँ तक? गुजरात तक, ठीक है। किसका विस्तार है दोस्तों? ये सतपुड़ा पर्वतमाला का। ये जो दोस्तों हमारी दोनों पर्वतमालाएं हैं, कौन कौन सी, सतपुड़ा पर्वतमाला और विंध्यांचल पर्वतमाला, इनको एक नदी अलग करती है। कौन सी नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी विंध्यांचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला को अलग करती है, ठीक है। प्रश्न को आपसे थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो उसका भी आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी, ठीक है। हम देख लेते हैं, नर्मदा नदी के उत्तर में, ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि नर्मदा नदी के उत्तर में, उत्तरी क्षेत्र में कौन सी पर्वतमाला है? कौन सी है दोस्तों? विंध्यांचल पर्वतमाला। कौन सी है? विंध्यांचल। से हम देख लेते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी के दक्षिण में, ठीक है, नर्मदा नदी के दक्षिण में जो पर्वतमाला है दोस्तों, ये है हमारी सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है। कौन सी है? सतपुड़ा पर्वतमाला। दोस्तों, ये जो दोनों पर्वतमालाएं हैं, इनके अंदर लगभग कितनी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं? 5, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं।
इन दोनों पर्वतमालाओं के अंतर्गत पांच पर्वत श्रेणी आती है। ठीक है, कितनी आती है दोस्तों? पांच। कौन कौन सी देख लेते हैं हम। पहली है केमूर पर्वत श्रेणी, ठीक है। दूसरी है दोस्तों भांडेर पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसके बाद आती है तीसरी मेकाल पर्वत श्रेणी। चौथी है दोस्तों महादेव पर्वत श्रेणी। और पांचवी जो है दोस्तों ये है राजपीपला पर्वत श्रेणी, ठीक है। कौन कौन सी है दोस्तों? पहली है केमूर पर्वत श्रेणी, दूसरी है भांडेर पर्वत श्रेणी, तीसरी है मेकाल पर्वत श्रेणी, चौथी है महादेव पर्वत श्रेणी और पांचवी हमारी राजपीपला पर्वत श्रेणी। पहले हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वतमाला की कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है आती है, ठीक है। एक कंटेंट है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट, देख लेते हैं कि विंध्याचल पर्वतमाला जो है कौन सी। विंध्याचल पर्वतमाला यह उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत को विभाजित करती है। उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत को विभाजित करती है दोस्तों। एग्ज़ाम में प्रश्न बना है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वतमाला कौन सी है। कौन सी है दोस्तों? विंध्याचल पर्वतमाला। दोस्तों हमारी जो विंध्याचल पर्वतमाला है इसके अंतर्गत दो पर्वत श्रेणी आती है, ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत दो पर्वत श्रेणी आती है, ठीक है। कौन कौन सी है दोस्तों दो पर्वत श्रेणी? पहली है हमारी केमूर पर्वत श्रेणी और दूसरी है भांडेर पर्वत श्रेणी। कौन कौन सी है? केमूर पर्वत श्रेणी और दूसरी है भांडेर पर्वत श्रेणी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों किसकी? केमूर पर्वत श्रेणी की, ठीक है। इसका विस्तार देखेंगे हम दोस्तों। इसका विस्तार केमूर पर्वत श्रेणी का झारखंड से कहाँ तक? छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले तक, ठीक है। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले तक केमूर पर्वत श्रेणी का विस्तार है। केमूर पर्वत श्रेणी के बारे में आपको एक और कंटेंट ध्यान रखना है दोस्तों कि जो टोंस नदी है, कौन सी? टोंस नदी का उद्गम केमूर की पहाड़ियों से, केमूर की पहाड़ियों कहाँ पर है? ये सतना में, यहाँ से होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है दोस्तों नदियों से रिलेटेड और पर्वत श्रेणी दोनों का मिक्स कंटेंट, इसलिए कि जो टोंस नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ियों से होता है? केमूर की पहाड़ियों से। किसके अंतर्गत आती है ये? विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत। इसके बाद देखेंगे दोस्तों उमरिया ज़िले में जो बांधवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, उमरिया में स्थित बांधवगढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये भी किस पर्वत श्रेणी में आती है दोस्तों? केमूर पर्वत श्रेणी में, ठीक है। केमूर पर्वत श्रेणी में आती है, ठीक है, यह इसका अंग है। केमूर पर्वत श्रेणी का अंग है, ठीक है। उमरिया में स्थित बांधवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, ये किसका अंग है? केमूर पर्वत श्रेणी का। अगला कंटेंट देखेंगे केमूर पर्वत श्रेणी से जुड़ा,
सतना में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, कौन सा? मेहर माता का मंदिर। ठीक है, सतना में स्थित मेहर माता का मंदिर कौन से पर्वत पर है दोस्तों? त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। और ये जो त्रिकुटा पर्वत है ये किसका अंग है? त्रिकुटा पर्वत केमूर श्रेणी का, ठीक है, केमूर पर्वत श्रेणी का अंग है। ठीक है दोस्तों, एक ही कंटेंट में आपके कितने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिकुटा पर्वत कहाँ पर स्थित है, मतलब ये मेहर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कौन सा पर्वत आएगा? त्रिकुटा पर्वत पर। अगर त्रिकुटा पर्वत पूछ लिया जाए कि कौन से पर्वत श्रेणी में है, तो कौन सी पर्वत श्रेणी आएगी दोस्तों? कैमूर पर्वत श्रेणी। ठीक है, आपको पूरा कंटेंट याद कर लेना है, फिर प्रश्नों को कैसे भी घुमा के पूछा जाए आप उसका आंसर दे दोगे। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि कैमूर श्रेणी में स्थित विंध्यांचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? कैमूर श्रेणी में विंध्यांचल की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है सद्भावना शिखर। क्या नाम है इसका? सद्भावना शिखर, जो कि किस जिले में दोस्तों? ये है दमोह ज़िले में। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर हम देखें, ऊंचाई है दोस्तों इसकी 754 मीटर। ठीक है, किसकी? सद्भावना शिखर की। बात करेंगे दोस्तों विंध्याचल पर्वतमाला की भांडेर श्रेणी की, कौन सी है दूसरी जो है दोस्तों? भांडेर श्रेणी। ठीक है, भांडेर श्रेणी का अगर विस्तार हम देखें तो इसका विस्तार दोस्तों कहाँ तक है? छतरपुर से विंध्यांचल पर्वत माला का पश्चिमी जो हिस्सा है दोस्तों, कौन सा पश्चिमी हिस्सा? ये किसमें आता है? भांडेर श्रेणी में आता है। ठीक है, इसमें आता है भांडेर श्रेणी में आता है। ये थे दोस्तों विंध्याचल पर्वत माला। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सतपुड़ा पर्वत माला की। सतपुड़ा पर्वत माला, इसके अंतर्गत हमारी कितनी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं? इसके अंतर्गत दोस्तों हमारी 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, जिनको हम देखेंगे। कौन कौन सी? मेकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी और राजपिपला श्रेणी। सबसे पहले इनका विस्तार देख लेते हैं हम तीनों का। पहली जो है हमारी मेकाल श्रेणी, कौन सी है? मेकाल श्रेणी। इसका जो विस्तार है दोस्तों ये है छत्तीसगढ़ से कहाँ तक? छिंदवाड़ा तक। ठीक है, कहाँ तक है? छत्तीसगढ़ से छिंदवाड़ा तक। अगली जो है हमारी महादेव श्रेणी, कौन सी है दोस्तों? महादेव श्रेणी का जो विस्तार है ये है छिंदवाड़ा से बुरहानपुर तक। कहाँ तक? बुरहानपुर, महादेव श्रेणी का विस्तार। इसके बाद आती है दोस्तों तीसरी राजपिपला श्रेणी, कौन सी है दोस्तों? राजपिपला श्रेणी। इसका जो विस्तार है ये है बुरहानपुर दर्रा से पश्चिम में कहाँ तक? महाराष्ट्र तक। कहाँ तक दोस्तों? महाराष्ट्र तक। ठीक है, मेकाल श्रेणी के बारे में दोस्तों एक कंटेंट है, देख लेते हैं उसे। ठीक है, मेकाल श्रेणी की संरचना
मेकल श्रेणी की संरचना, ठीक है। मेकल श्रेणी की जो संरचना दोस्तों ये कैसी है, अर्धचंद्राकार। कैसी है? अर्धचंद्राकार। मेकल श्रेणी की संरचना अर्धचंद्राकार है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा के कि अर्धचंद्राकार जो रचना संरचना है किस पर्वत श्रेणी की है, तो किसकी है दोस्तों? मेकल पर्वत श्रेणी की। हम एक और कंटेंट है दोस्तों, कौन सा? अमरकंटक जो है वो किस पर्वत श्रेणी में आता है? ये भी आता है मेकल श्रेणी में, ठीक है। अमरकंटक मेकल श्रेणी के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? अमरकंटक की जो ऊंचाई है ये है 165 मीटर, ठीक है। यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? ये होता है नर्मदा नदी का उद्गम। देख लेते हैं, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, इसलिए नर्मदा नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? मेकल सुता के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम होता है इसलिए इसे मेकल सुता, कौन सा है? इसलिए इसे मेकल सुता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जब नदियों वाला चैप्टर हमने पढ़ा था तो उसमें नर्मदा नदी का जो नाम देखा था हमने, उसमें क्या नाम था दोस्तों? मेकल सुता, ठीक है। मध्य प्रदेश में नदियों की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके टोटल 4 पार्ट हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, कौन सी दोस्तों? ये है धूपगढ़ की चोटी, ठीक है। धूपगढ़ की चोटी किस ज़िले में दोस्तों? होशंगाबाद में है। कहाँ पर है? होशंगाबाद में। और ये धूपगढ़ की चोटी है दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। बस एक और कंटेंट है दोस्तों, देख लेते हैं कौन सा। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है दोस्तों? ये है पंचमढ़ी, ठीक है। ये महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है दोस्तों, कौन सी? यह पंचमढ़ी जो है महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसकी ऊंचाई अगर हम देखें दोस्तों, ऊंचाई है इसकी 1067 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वतमालाओं के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियो के जो PDF है बिल्कुल फ्री मिलेंगे।